हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व एम फॉर जी सक्सेस टेस्ट सीरीज सो वी हैव आल्सो स्टार्टेड द सीरीज ऑफ एम सी ऑफ फॉर ए स्पेशली जी एग्जाम सो लेट स्टार्ट एंड सोल्व द एम सी क्यू प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेसन इन दिस टेस्ट सीरीज़ So, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Farmerox. PharmaRocks. PharmaRocks study materials are now available on our app PharmaRocks. So, download this app PharmaRocks Android application on Google Play. For Apple iPhone user, you can WhatsApp us on 9016 9016312020 to get the link for Apple iPhone. So, online test series, these are the features in that 365 test in 365 days, price is rupees 100, 28 paisa per day. MCQ solution explanation. So, contact on 9016312020 for test series. Application is available for both Apple iPhone as well as for the Android phones. So, both the versions are available. So, just WhatsApp us on 9016312020 to start your test series. So you will get instant test result, result analysis, and get your rank based on your performance. GPET study material is also available. For that, you also have to contact on 9016312020. So, GPET success test series here is the question number one: the distance traveled by the solute over the distance traveled by solvent. ज़ कॉल्ड ऑप्शन फर्स्ट आर एफ वैल्यू ऑप्शन टू आर एक्स वैल्यू ऑप्शन थ्री आर डब्ल्यू वैल्यू एंड ऑप्शन फोर इज आर एस वैल्यू तो क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस ट्रावेल बाय द सॉल्यूट ओके कि समझो कि हम कोई डिस्टेंस लिख रहे हैं ये सॉल्यूट के बारे में ओवर डिस्टेंस ट्रावेल बाय द सॉलवेंट तो इसको हम क्या कहेंगे तो इसको हम कहते हैं आर एफ वैल्यू सो आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। डिस्टेंस को समझो कि हम डी देते हैं तो डिस्टेंस ऑफ बाय सॉल्यूट डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट तो जानते ही एक्सप्लेनेशन उसका आर एफ वैल्यू का की समझो कि जब ये आप क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल्स करते हैं तो समझो कि यहाँ पे ये है उसका ओरिजिन पॉइंट और वहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है सॉल्वेंट ने वो है टू पॉइंट एट तो आर एफ वैल्यू के लिए आप क्या करोगे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट ने ट्रांसफर ट्रैवल किया टू पॉइंट एट सेंटीमीटर और ये जो हमारा सॉल्यूट है वो यहाँ तक सक देख सकते हैं ये जो स्पॉट मिला है हमें तो वो है टू पॉइंट वन सेंटीमीटर जितना तब आप आर एफ वैल्यू फाइंड करोगे तो वो मिलेगी आपको ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव जितनी तो ये है रिगार्डिंग द आर एफ वैल्यू कि सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट भी अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो दोनों को जब हम रेशियो लेते हैं तो इसको हम कहेंगे ये आर एफ वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एलिमेंट दैट इज़ फाउंड इन द ब्लड इज आयरन लेड क्रोमियम और सल्फर सो ब्लड के अंदर कौन सा एलिमेंट जो स्पेशली पाया जाता है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरन तो यहाँ पे जो टेबल है उसका डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि जो हमारा ब्लड है कि जो हमारे ये ब्लड के अलग अलग सेल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लड सेल्स तो ब्लड सेल के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आयरन जो प्रेजेंट होता है स्पेशल इन अवर ब्लड सेल्स के फाउंड इन आर बी सी इन्वॉल्व इन ए ऑक्सीजन ट्रांसफर कि ये रेड कलर के जो रेड ब्लड सेल है कि जिसको हम आर बी सी कहते हैं रेड ब्लड सेल तो ये आर के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होता है आयरन और उसका जो फंक्शन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर वो उसका काफ़ी इन्वॉलमेंट है ऐसे ही और भी एलिमेंट्स है जिसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये टेबल में से कि जो कैल्शियम है वो हमारे स्पेशली जो बॉन्स के अंदर प्रेजेंट है उनको काफ़ी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है सीनेक्टी ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है सोडियम देखें तो स्पेशली प्रेजेंट होती है इन न्यूरॉन्स की जो नर्वस सिस्टम के अंदर इम्पल्स जनरेशन के लिए काफ़ी इन्वॉलमेंट है सोडियम का फॉस्फरस जो हमारा जीनेटिक मटेरियल है डीएनए उसके अंदर वो प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड के अंदर एंड सल्फर फाउंड इन सर्टेन अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट फॉर डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो अमाइनो एसिड बनते हैं उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में से फिर बनता है प्रोटीन तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये अलग अलग एलिमेंट्स का इन अवर बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन फ्रुक्टोज इज एट सिक्सटीन फोर और टेन क्वेश्चन है कि ये जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है ये आप अच्छे से सेंटेंस पढ़ना होगा सबसे पहले कि क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स तो सही आंसर रहेगा सिक्सटीन तो ये आंसर कैसे आता है वो देख लेते हैं कि फ्रुक्टोज हैज़ ए सिक्सटीन ऑप्टिकल आइसोमर्स फ्रुक्टोज के पास कितने आइसोमर है सिक्सटीन तो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल ए फॉर चीराल कार्बन सेंटर मैक्सिमम टू रेस टू एन ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल तो ये लिखा है कि टू रेस टू एन ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं तो एन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ चीराल कार्बन अब ये जो फ्रुक्टोस है उसके पास टोटल कितने हैं चार चिरल सेंटर्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा हमें टू रेस टू फॉर एन के जगह हम चार रखेंगे तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो ये जो है वो हो जाएगा टोटल सिक्सटीन तो टोटल जो आइसोमर्स प्रेजेंट है ऑप्टिकल आइसोमर्स फ्रोक्टोस के अंदर वो है टोटल सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर फॉर ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस इज पैनिसिलिन सल्फोनामाइड सेफालोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन सो so, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पैनिसिलिन की जो ड्रग ऑफ चॉइस जो सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ है उसके लिए स्पेशली पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है तो यह उसका एक्सप्लेनेशन कि द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ पेरेंट्रल पेनिसिलिन जी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। तो स्पेशली आपको पेनिसिलिन जी यूज़ करनी है कि जो कौन से टाइप की पेनिसिलिन है तो पेरेंट्रल पेरेंट्रल पेनिसिलिन जी बन है ड्रग ऑफ चॉइस इन ए सिफिलिस क्वेश्चन नंबर फाइव आईब्यू बिलोंगिंग टू शेड्यूल एक्स जी एच और एम तो आईब्यू जो ड्रग है उस वो आती है इन शेड्यूल एच तो एच इज़ ए क्लास ऑफ ए प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्स तो शेड्यूल एच जो है उसकी जितने भी ये जो मेडिसिन रहती है वो कैसी रहती है प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्स स्पेशली ये रहती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सो जो आईबू ब्रोफेन की जिसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए पेन पेन रिलीवर है प्लस फीवर के अंदर भी हम वो ये मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो इट इज़ ए सीड्यूल एच ड्रग कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के कैटेगरी में आएगी इन इंडिया अपेयरिंग एज ए अपनडिक्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स नाइनटीन फोर्टी फाइव इंट्रोड्यूज इन ए नाइनटीन फोर्टी फाइव तो आईबू ब्रोफेन जो है स्पेशली सीड्यूल एच के ड्रग हम कहेंगे कि विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्सन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर सिक्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज 12 टू 20, 44 टू फिफ्टी एटीन टू थर्टी और ट्वेंटी टू फोर्टी सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नॉर्मल रेस्पायरेसन रेट इन एडल्ट पर्सन तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्वेल्व टू ट्वेंटी तो ये टेबल आपको ख़ास याद रखना है मोस्ट आई एम पी टेबल अभी से हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज़ ये जो टेबल में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं कि एडल्ट्स के लिए तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 12 से लेकर 20 जितना नॉर्मल रेस्परेटरी रेट है इन एडल्ट अब चिल्ड्रन है विथ एज वन टू सेवन उसके अंदर रहेंगे 18 से लेकर 30 रेस्पिरेशन पर मिनट इन्फेंट्स है तो 20 टू 40 रेस्परेशन पर मिनट एंड जब कोई न्यूबॉर्नस होता है बेबी तो उसके अंदर टोटल होते हैं फोर्टी फोर पर मिनट तो ये जो टेबल है मोस्ट आईएमपी आपके लिए खास अच्छे से रिमेंबर रखिए पिन पॉइंट ये क्वेश्चन बन सकता है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन फ्लैक्सिड इज सिनोनिम ऑफ असाफिडा लेंसीड विंका और लॉबेलिया सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज लेंसीड तो ये जो टेबल आप याद रखो अच्छे से कि असाफइटिडा तो वो है उसका सिनोनिम डेविल्स डंग फिर फ्लैक्सड लिन्ड के लिए है पेरेविंकल के लिए एल्केट्स के लिए इंडियन टॉबेको कि जिसको लॉबेलिया कहा जाता है एंड इंडियन स्क्विल के लिए अर्जीनिया तो ये अलग अलग सिनोनिम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट फार्मा कॉग्नोसी तो कॉग्नोसी से आपको ये अच्छे से याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिप्थेरिया टेस्ट सीक टेस्ट ए एंड बी और डिक टेस्ट तो डिप्थेरिया को कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं तो उसका आंसर है ए एंड बी तो डायग्नोसिस जो है डिप्थीरिया का क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट माइक्रोस्कोप यूजिंग आल्बर्ट स्टेन कल्चर लोएफल सीरम स्लोप तो ये दो पॉइंट है वो भी आपके लिए एम सी क्यू के लिए पिन पॉइंट है फ्रॉम द दिस डिफ्थेरिया फ्लूरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक उसके बाद हम टॉक्सीजेनेसिटी टेस्टिंग करते हैं बाय एलेक्स जेल जिसको एलेक्स टेस्ट भी हम कहते हैं एंड डायग्नोसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी बाय द सीख टेस्ट बट यहाँ पर क्या लिखा है कि डायग्नोसिस टेस्ट तो ये पूरे जितने भी अलग अलग टेस्ट है वो सभी डायग्नोसिस के लिए है ऑफ ए डिपथेरिया बट समझो कि क्वेस्न में ऐसा है कि ससेप्टिबिलिटी ही सिर्फ वर्ड लिखा है तो उस वक्त आपको सिलेक्ट करना रहता है ये सीख टेस्ट और टॉक्सीजेनेसिटी के लिए आपको सिलेक्ट करना रहेगा एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट बट जब क्वेश्चन कॉमन है तो उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है तो उस वक्त ये दोनों ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेंगे सो फॉर दिस एम सी क्यू राइट आंसर इज सी बॉथ ए एंड बी सो इस तरह से सीक टेस्ट परफॉर्म की जाती है इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है प्रोड्यूस रेडनेस और इरीथरेमेटिक इन टू टू फेयर डेज यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रेडनेस नो रिएक्शन प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होता तो इट्स इंडिकेट्स द प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ए बॉडी एलेक्ट टेस्ट के अंदर भी इन विट्रो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट कहा जाता है कॉरिनो बैक्टेरियम डिप्थेरिया के लिए और ये दोनों टेस्ट परफॉर्म की जाती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिस डिपथेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ब्लड ग्रुप ए हैव ए कलर कोड ऑफ ए लेबल ब्लू येलो पिंक और वाइट सो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन बी येलो कि जब किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए यहाँ पे है ब्लड ग्रुप ए तो उसके सामने ये देखो कलर कोड ऑफ द लेबल इट इज़ ए येलो कलर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए है ब्लू कलर बी है तो उसके लिए पिंक कलर एंड ए बी है तो उसके लिए है ये वाइट कलर तो ब्लू येलो वाइट एंड पिंक ये चारों कलर आपको अच्छे से याद रखने हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए ये वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा फार्मारॉक्स का कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप एंड कलर कोड ऑफ लेबल ये टाइटल मार्क लग के आप सर्च करोगे बाय फार्मारॉक्स तो डायरेक्टली आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा चैनल पर क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल लुक्स लाइक ए फिगर एट वैन ड्रॉ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी और एफ तो ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है कि जिसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसका आ, कैसे दिखेगी तो फिगर एट जैसे दिखेगी कि, कि जिस तरह से हम ये नंबर एट लिखते हैं ऐसा दिखेगा तो ऐसा कौन सा है तो उसका सही आंसर है पी ऑर्बिटल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी ऑर्बिटल और बाजू में ये एट तो कंप्लीटली ये देखो ये एट तैयार हो रहा है लाइक दैट एंड दिस इज़ ऑल्सो द नंबर एट तो विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल लुक्स लाइक ए फिगर एट वैन इट ड्रॉ दिट इज़ ए पी ऑर्बिटल सो मैसेज टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स फार्मारोक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स So thank you friends for watching this video. Share the video, subscribe channel, and press on bell icon. You can also contact Mr. Ramar Rawal, founder Farmerox The Way of Success.